2 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या लोड चलेगा। अगर आप अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेने का और आपके घर में इस तरह के लोड हैं, इसमें कूलर है, पंखा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इंडक्शन है, 1 HP का सबमर्सिबल पंप है, या फिर एयर कंडीशनर आप 1 से 1.5 टन का चलाना चाहते हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पे आप अपने घर का क्या क्या लोड कितने टाइम चला सकते हैं, 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाने की सबसे लेटेस्ट और सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी क्या है। तो आपकी डिफरेंट जरूरतों के हिसाब से मैं आपको 5 डिफरेंट मॉडल दिखाने वाला हूँ जो कीमत में तो है सबसे कम, और फीचर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फीचर आपको इन इन्वर्टर्स में मिलने वाले हैं। मेंटेनेंस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0 मेंटेनेंस ये इन्वर्टर हैं, और हर इन्वर्टर को आपकी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग यूज किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको 5 मॉडल दिखाने वाला हूँ। सारे मॉडल्स 24 वोल्ट पे ऑपरेटेबल हैं, मतलब कि 2 बैटरी आप लेड एसिड की लगा सकते हैं या फिर 1 लिथियम फॉस्फेट की बैटरी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सारे मॉडल में आपको डिफरेंट फीचर्स मिलने वाले हैं, डिफरेंट उनकी लोड लिफ्टिंग है और डिफरेंट ही पैनल सपोर्ट इन इन्वर्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपके घर के लिए इनमें से कौन सा इन्वर्टर बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है नेक्सस का 2 KVA का 24 वोल्ट का ये AVR सोलर PCU। ये जो AVR PCU है इसकी खासियत ये है कि आप 7 एम्पियर मतलब 7 एम्पियर या आप 1600 वाट का लोड इसके ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर पे टुल्लू पंप है, 500 वाट का टुल्लू पंप लगा है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखे, इस तरह के आपके लोड हैं तो ये इन्वर्टर आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। इस इन्वर्टर की एक बड़ी खासियत यह है कि ये इन्वर्टर AVR फीचर से लैस है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज का इशू रहता है, मतलब कि वोल्टेज जो है वो आपके 160, 170, 180 वोल्टेज आते हैं, तो ये इन्वर्टर खुद से ही बिना स्टेबलाइजर लगाए 30% तक वोल्टेज बढ़ा सकता है। पैनल सपोर्ट की बात करो तो 1600 वाट तक का पैनल सपोर्ट आपको इस PCU पर देखने को मिलता है, और ये इन्वर्टर नहीं है, सोलर PCU है। PCU का मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं, और आप डिफरेंट जो है वो लोड प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं कि मतलब आपको पहले ग्रिड यूज करनी है, सोलर यूज करना है, बैटरी यूज करनी है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस वाले PCU में देखने को मिलते हैं। अब प्राइसिंग की बात करूं तो 16,624 रुपये प्लस GST में आपको ये वाला PCU मिलता है। तो अभी आपको एयर कंडीशनर जो है वो मैंने नहीं बताया है, एयर कंडीशनर आप चलाना चाहें तो इस PCU पे नहीं चला सकते हैं। इस PCU में आप फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, आपका 500 वाट का आपका पंप और जो आपके बाकी घर के लोड हैं, TV, पंखा, प्रेस, वो सारे लोड आप इस पे चला पाएंगे। एक रफ एंड टफ ये मॉडल है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको सस्ते में ही एक ऐसा PCU चाहिए जिसपे आप 1 KVA का समरसेबल भी लिफ्ट कर सकें। 1 टन का आपके यहाँ पे इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा है, आप 1 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 3 KVA है और ये भी 24 वोल्ट में है कि मतलब कि इस पे भी आपको 2 ही बैटरी लगानी है। यहाँ पे आप 9 एम्पीयर तक का भी लोड इस पे लिफ्ट कर सकते हैं। अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो जितने फीचर्स आपको अभी 2 KVA में देखने को मिले उतने ही फीचर्स आपको इस वाले PCU में देखने को मिलते हैं। इस PCU में आपको 2 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिलता है कि 2 किलोवाट आप सोलर पैनल के ऊपर लगा सकते हैं। AVR फीचर आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलता है, और टेक्नोलॉजी की मैं आपको बात बताऊं तो ये PWM टेक्नोलॉजी है। तो ये जो दोनों मॉडल मैंने आपको दिखाए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही PWM टेक्नोलॉजी है। PWM टेक्नोलॉजी में क्या है कि जितना वोल्टेज आपका सोलर से आ रहा है तो उस वोल्टेज को इनहेंस नहीं किया जा सकता है, तो जो इन्वर्टर है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो ये सेट कर लेता है कि कितना जो है मेरे को लोड चलाना है और कितने एम्पीयर की चार्जिंग में मेरे को बैटरी चार्ज करनी है। अब इसकी कीमत की मैं आपको बात बताऊं तो मात्र 21,000 प्लस GST में आपको 3 KVA का 24 वोल्ट का ये सुपर इन्वर्टर मिल जाता है। टफनेस की मैं बात करूं तो इतना रफ एंड टफ ये मॉडल है कि इसका फ्यूज भी आप आसानी से नहीं फूट सकते हैं। तो 9 एम्पीयर इसकी अधिकतम क्षमता है लोड लिफ्ट करने की, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8 एम्पीयर से ज्यादा का लोड इसे ना चलाएं।
तो किसी भी सिस्टम को उसकी क्षमता का 70-75% या 80% तक आप चला सकते हैं। उससे ज्यादा आप 90% या 100% क्षमता पे इस इन्वर्टर को चलाना चाहेंगे तो किसी भी इन्वर्टर के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक परफेक्ट इन्वर्टर आपके लिए हो जाता है कि अगर आप बजट में जाना चाह रहे हैं, 2 लैड एसिड बैटरी के साथ जाना चाह रहे हैं और इसमें आपका एसी भी चल जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि आपको लोड तो इतना ही लिफ्ट कर रहे हैं, उसमें आपको एसी भी चलाना है, आपको 1 HP का समरसेबल भी चलाना है, आपके फ्रिज कूलर पंखे वॉशिंग मशीन सारे हैं, करीब 9 एम्पीयर का ही लोड चलाना है। पर पैनल जो है वो आपको चाहिए कि दिन भर जो है मेरा सोलर से काम चल जाए और रात में मेरा बैटरी से काम चल जाए, सोलर इतना पावरफुल हो कि पूरे दिन मेरे घर का लोड चला पाए। लोलाइट कंडीशन में भी आपको सोलर से एनर्जी चाहिए, बिजली का कनेक्शन आप नहीं लेना चाहते या आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये मेरे सामने देख रहे हैं, यह है नेक्सस का 2.5 KVA का 24 वोल्ट का सुपर MPPT PCU और इंडिया का सबसे हाईएस्ट बिचने वाला ये सोलर PCU है। तो इस PCU में 2 मॉडल हम लोग बनाते हैं। एक मॉडल जो है जो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं ये 48 वोल्ट का और इसमें ही आपको 24 वोल्ट का मॉडल मिल जाएगा। मतलब देखने में बिल्कुल सेम ही है दोनों ही मॉडल, जैसे आप ये देख रहे हैं 24 वोल्ट और 48 वोल्ट दोनों ही PCU बिल्कुल सेम है। तो इस PCU में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसमें आपको सोलर MCB मिल जाती है, बैटरी के लिए MCB मिल जाती है, मेन के लिए MCB मिल जाती है, आउटपुट के लिए MCB मिल जाती है। इसके साथ ही कम्युनिकेशन पोर्ट मिल जाता है, आपको बाईपास स्विच यहाँ पे मिल जाता है और इस इन्वर्टर में आपको सॉफ्ट स्टार्ट स्विच भी मिल जाता है। जैसे आप ये सामने देख रहे हैं ये आपको सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए स्विच है। तो इन्वर्टर की लंबाई चौड़ाई देख के आप समझ गए होंगे कि ये प्रीमियम क्लास का ये इन्वर्टर है। और सबसे जो इसमें एडवांस बात है वो ये है कि कॉपर का ट्रांसफार्मर हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो जो लोग भी ऐसे हैं कि जिनको कॉपर ट्रांसफार्मर इन्वर्टर चाहिए वो ये वाला मॉडल ले सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मॉडल अवेलेबल है, एक है 24 वोल्ट और एक है 48 वोल्ट। अभी 24 वोल्ट और 48 वोल्ट को आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि सपोज आपके दिन के लोड ज्यादा है, रात की लोड कम है, तो आप 24 वोल्ट का ये वाला PCU ले सकते हैं। रात में आपको एसी नहीं चलाना है, केवल पंखे हैं, आपका फ्रिज चलना है, टीवी चलना है, बस इतना लोड आपका चलना है, तो फिर आप ये 24 वोल्ट वाला मॉडल लीजिए। अब इसमें ही ये है कि साहब मेरे को तो एक टाइम का मेरा एयर कंडीशनर है और मेरे को रात भर एसी भी चलाना है तो उसके लिए क्या करना है, और मेरा दिन में कोई खास लोड नहीं है तो फिर उसके लिए आप 48 वोल्ट वाला मॉडल लीजिएगा। 48 वोल्ट का जो एडवांटेज है वो ये है कि लिथियम बैटरी आप इसमें एक या दो भी लगा सकते हैं। 4800 AH की जो हम अपनी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी बनाते हैं उसमें ये फीचर है कि आप अप टू 15 बैटरी तक जोड़ सकते हैं। तो आज आपने एक बैटरी ले ली, कल को आप एक बैटरी इसके ऊपर और एड ऑन कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ बैटरी 2 ले सकते हैं। PCU 2.5 KVA का ही रह जाएगा और आपका जो एयर कंडीशनर है रात भर एयर कंडीशनर चल जाएगा। तो आपने 2 बैटरी लगा ली, उसके साथ ही आपका रेफ्रिजरेटर भी चल जाएगा और बाकी आपके घर के लोड चल जाएंगे। तो ये कंडीशन के दिन में आपका कोई लोड, दिन में आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है और रात में आपको अपने लोड यूज करने हैं, तो उसके लिए आप ये 48 वोल्ट वाला मॉडल भी ले सकते हैं। अब इस PCU में 2 kW का आपको पैनल सपोर्ट मिलता है, 2 kW का पूरा पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और चूंकि ये MPPT है तो लो लाइट कंडीशन में भी आप इस PCU में ज्यादा जनरेशन आपको सोलर पैनल से मिलेगा लो लाइट कंडीशन में। और क्लाउडी सीजन में या सर्दियों के सीजन में भी ये इन्वर्टर से आप बिना ग्रिड के भी अपने पूरे घर का लोड चला सकते हैं। अब प्राइसिंग की बात यह है कि इसका जो 24 वोल्ट वाला मॉडल है उसकी प्राइसिंग है 29,000 प्लस GST और जो 48 वोल्ट वाला मॉडल है उसकी जो प्राइसिंग है वो है करीब 33,500 प्लस GST। जो 24 वोल्ट वाला PCU है उसकी VOC आपको मिलती है 90 की, पर जैसे ही 48 वाला आपको 48 वोल्ट वाला ये PCU लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो VOC है 180 की मिल जाती है। मतलब कि 4 पैनल भी आप सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं 48 वोल्ट वाला मॉडल आपने लिया है। तो ये 4 PCU मैंने आपको बताए। अब आपको ऐसा है कि साहब मेरे को तो बिना बैटरी के दिन भर लोड चलाना है और मैं बिना बैटरी के कैसे चलाऊं, या फिर आपका ये है कि आपको डेड टाइम का जो है वो इन्वर्टर एयर कंडीशनर चलाना है, बाकी 2 लाइट वेट चलानी है, मतलब कि अधिकतम लोड जो है वो आपका 2 kW है और दिन के टाइम में आप चाह रहे हैं कि साहब मेरे को बैटरी नहीं लगानी पड़े, कल को मेरा बजट हो तो मैं बैटरी लगा लूं, अन्यथा मेरा बिना बैटरी के ही मेरे घर का लोड चलता रहे। तो फ्रेंड्स उसके लिए ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ये नेक्सस का इन्नो सीरीज का 3 KVA 24 वोल्ट का मॉडल है और ये ट्रांसफॉर्मर लेस है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मात्र 12 किलो इसके अंदर वेट है और मैं आपको फीचर्स दिखाऊं, इसके सुपर प्रीमियम फीचर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसकी VOC की मैं बात करूँ तो VOC इसकी 450, मतलब कि आप पूरे 2.5 kW का पैनल, 3 kW का पैनल आप इसके ऊपर डालना चाह रहे हैं तो सारे पैनल को आप सीरीज में करके डाल सकते हैं।
लोड लिफ्टिंग की मैं बात करूं तो आप 2.2 किलोवाट का लोड इजीली आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं, पर अगर आपको 2 किलोवाट या उससे ज्यादा का लोड चलाना है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैटरी लगाएं। विदाउट बैटरी आप इस इन्वर्टर पे उतना ही लोड रन कर सकते हैं जितना कि मैक्सिमम आपका सोलर पैनल प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो विदाउट बैटरी आप यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यह देखना है कि आपका पैनल जितना प्रोडक्शन कर रहा है उतना लोड चला सकते हैं, तो फिर आप इसमें 2.2 किलोवाट तक का भी लोड चला पाएंगे। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जो एयर कंडीशनर होते हैं उनमें जो 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, 1.5 टन के एयर कंडीशनर का अधिकतम जो लोड है वो 1800 वाट है। तो 1800 वाट के लोड को ये PCU आराम से लिफ्ट कर सकता है, पर आपको बैटरी जो है वो इसके ऊपर डालनी पड़ेगी। विदाउट बैटरी अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका 1HP का समरसेबल इसके ऊपर चल जाए या कोई भी मोटर है वो चल जाए, तो विदाउट बैटरी को कोई भी मोटर इसके ऊपर नहीं चलेगी। रीजन ये है कि कोई भी मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसके जर्क लोड बहुत 3 गुना 4 गुना तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वर्टर है वो लो बैटरी पे चला जाएगा और आपका जो कोई मोटर है वो मोटर नहीं चलेगी। इस PCU में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड अपना वीडियो बनाया हुआ है, लोड लिफ्ट करके दिखाया हुआ है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें विदाउट बैटरी भी मैंने इस पे लोड चला के दिखाया और विद बैटरी भी मैंने इस PCU पे लोड चला के दिखाया है। अब प्राइसिंग की बात करें तो 41,200 प्लस GST में आपको ये PCU जो है वो मिल जाएगा। अब जो मैंने सारे आपको रेट बताए उसमें सब मैंने प्लस GST करके बताई, तो एक प्लस GST का मतलब यह है कि अगर आप खाली इन्वर्टर खरीदते हैं तो 18% GST लगेगी, और अगर आप सोलर पैनल के साथ में ये वाला इन्वर्टर खरीदते हैं, पूरा SPGS खरीदते हैं, तो आपको GST 12% देनी पड़ेगी। तो इसलिए GST मैंने आपको अलग अलग करके बताई है। तो फ्रेंड्स, इस सारे मॉडल के डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी एक बार विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in, वहीं पे आपको डीलर लोकेटर भी मिल जाता है। तो डीलर लोकेटर में अगर अपना जब पिन कोड डालेंगे तो पिन कोड डालने के बाद में जो कंपनी के ऑथराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके ये वाला PCU आप बाय कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक आपने वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।